दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं पढ़ सकते हैं, देश के जितने भी धर्म हैं, देश के जितने भी जातियां हैं और विदेश के भी लोग अब पढ़ सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। लेकिन बात यह है कि कब से ये शुरुआत हुई कि सारे धर्म के लोग पढ़ सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, किस डेट से, कब से, किस कारण? क्योंकि पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी इसमें सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ सकते थे, बहुत लोगों को नहीं पता है ये बात, तो इस वीडियो में खुलासा करूंगा। आपको बहुत ही रोचक चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत लोगों को यह पता है कि जब से एएमयू बनी है इसमें सारे धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन ऐसा बात नहीं था। तो कब से हिंदू छात्र भी पढ़ने लगे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्या चेंजेस हुई, कब हुई, ये वीडियो में पूरा दिखेगा। तो वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाइक कीजिएगा और चैनल पर अभी भी नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही काम का वीडियो है। तो दोस्तों चलिए, भारत की चुनिंदा यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में जन्म हुआ था सर सैयद अहमद खान साहब का, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। किसने किया है? सर सैयद अहमद खान साहब ने, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। और मैंने यह भी वीडियो बनाया है कि क्यों अलीगढ़ जिला ही चुना गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हूं, आप लास्ट एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं या आई बटन पर आपको मिल जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि कब से, किस डेट से शुरू हुआ हिंदू, सिख, ईसाई और अदर धर्मों का एंट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। एएमयू का इतिहास जो है बेहद दिलचस्प रहा है। इस इदारे का नाम भी पहले कुछ और था, साथ ही इसका इदारा का नाम गैर मुस्लिम छात्रों के लिए नहीं था। बाद में जब नाम बदला तो दाखिला लेने के नियम भी बदले गए, इसके जिससे बाद में यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी पढ़ने लगे। बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट भी गैर मुस्लिम ही था, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएट करने वाले छात्र हिंदू ही थे, यानी गैर मुस्लिम ही थे। पहले ग्रेजुएट किसने किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो एक हिंदू ही थे। आप लिखिएगा गूगल पे तो मिल जाएगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा किसी और वीडियो में उनके डिटेल बनाने में। देखिए, इसका नाम पहले था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। 1875 में इसको स्थापना की गई थी। कब? 1875 में। और 77 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल से बन गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 75 के बाद 77 में, 2 साल के बाद यह बन गया कॉलेज। कॉलेज बनने के बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने, यानी अंग्रेजों का राज था 1920 में, तो 1920 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लाया जिस कानून के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कब? 1920 में, जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज ही उनके अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास किए और उस बिल पास करने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गई। किसने ये बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि 1951 में देश आजाद हो चुका था। 1951 में एक पार्लियामेंट में एएमयू का जो एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जो अंग्रेजों ने बनाए थे, उसमें तब्दीली की गई, चेंजेस की गई, उसमें बदलाव किए गए। तो ये जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव में गैर मुसलमानों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए। कब? देश के आजाद होने के बाद। देश के आजाद होने से पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ सकते थे। तो 1951 में जो एएमयू का एक्ट था, एएमयू का जो बिल था, एएमयू का जो कानून था, उसमें संशोधन किए गए, एएमयू के कानून में बदलाव किए गए 1951 में। और 1951 के बाद सारे धर्मों के बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, यानी आप कह सकते हैं जब देश आजाद हुआ, कानून बनी, तो उस कानून के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1951 से ही सारे धर्म के लोग, जितने भी धर्म मानने वाले हैं अपने देश में या विदेश में, सब लोगों का एंट्री होने लगा, ठीक है। और पहला ग्रेजुएट भी यहां से एक शख्स थे जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। पहला ग्रेजुएट हिंदू छात्र ही थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहला ग्रेजुएट छात्र कौन थे? हिंदू थे, जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद। तो ईश्वरी प्रसाद ने ही पहले ग्रेजुएशन किया है, पहले छात्र थे। तो दोस्तों ये रहा रोचक कि 1951 से ही एएमयू कैंपस में सारे धर्मों का एंट्री होने लगे और पहले ग्रेजुएट हिंदू छात्र थे ईश्वरी प्रसाद। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य थे जिसको आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, दिल खोल के लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में या इंस्टाग्राम पे भी इसको शेयर कर दीजिए। एक पुण्य और नेकी का काम कीजिए क्योंकि मैं आपके हित के लिए वीडियो बनाता हूं, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए। तो इस चैनल को सपोर्ट करने की जरूरत है और अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा आपको इसी चैनल से मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, जय एएमयू।